अस्सलामुअलैकुम। तो मेरा नाम है ज़ैन यासीन और आप देख रहे हैं जी वाई ब्लॉग। तो सब लोगों को खुश आमदीद। और मैं इस वक्त सिडनी ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हूँ एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट फ्रॉम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो ये मेरी ज़िंदगी का सबसे पहला व्लॉग है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ अपनी ओवरसीज़ लाइफ रियल एक्सपीरियंसेस, और इंशाल्लाह आपके लिए यूनिक कंटेंट लाते रहेंगे। और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आप लोग मुझे भरपूर प्यार देंगे। सो लेट्स गो। तो मैं जा रहा हूँ दोस्त से मिलने के लिए, तो चलिए आप भी दिखाते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के क्या नज़ारे हैं। ये मेरा होप साइड एरिया सर, ये देखिए आज बारिश हुई और काफ़ी अच्छा व्यू है। और ये हमारी खड़ी हुई है बाइक, आज हम इस पर नहीं जाएंगे क्योंकि मैं मिलने जा रहा हूँ दोस्त को, तो वहाँ से मैं इंशाल्लाह अपनी जॉब पे जाऊँगा उसके बाद। तो ये देख सकते हैं हमारी बारिश हुई और काफ़ी अच्छा व्यू बना हुआ है, तो चलें दिखाते हैं आपको आगे नेक्स्ट वे। ये देखें आज बहुत ही प्यारा मौसम है सिडनी में, और ये खड़ी हुई है बोट। यहाँ ऑस्ट्रेलियन ओसी जो हैं उनको बोटिंग का बहुत शौक है, वो बहुत बोटिंग करते हैं। तो ये देखें अब हम जा रहे हैं, सबसे पहले मैं जाऊँगा ट्रेन स्टेशन पे और वहाँ पे देखेंगे क्या सीन है। तो बस ट्रेन स्टेशन में पहुँचने वाले हैं, तो फिर आपको दिखाते हैं कि यहाँ का ट्रेन स्टेशन कैसा होता है। तो ये है हमारा ट्रेन स्टेशन, तो चलते हैं इसमें। ऑस्ट्रेलिया में सबसे ये जो अच्छी बात ये है ना कि आप ट्रेन स्टेशन का स्केड्यूल कर बैठे देख सकते हो, देख सकते हैं कब ट्रेन आएगी, ट्रेन कब जाएगी, सारी इन्फॉर्मेशन एक ही मैप पे आपको मिल जाएगी, मतलब एक ही ऐप पे मिल जाएगी। तो यहाँ आपको सबसे पहले आने के लिए टैप करना पड़ता है, तो चलिए वीडियो बंद करके टैप। विद इन 4 मिनट ट्रेन आ रही है, तो इंशाल्लाह फिर ट्रेन में बैठेंगे और जाएंगे फिर दोस्त से मिलने के लिए, और आपको सब नेक्स्ट चलते हैं देखते हैं फिर क्या होता है। तो हमारी ट्रेन आ रही है, तो फिर आपको दिखाते हैं फिर कैसी होती हैं ट्रेन। और ये आप देख सकते हैं ये आ रही है जो हमारी ट्रेन, और ये काफ़ी लंबी होती हैं और ये फास्ट ट्रेन ऑन प्लेटफॉर्म 2 गोइंग टू लिपन वाया बैंकॉक। काफ़ी लंबी ट्रेन है, बैठते हैं चलते हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ जहाँ हमें जाना है। लेकिन लोग ये पीछे वाले तो खाली हो गए, तो सोचा मैंने कहा पीछे बैठते हैं आज। ये देखें कल जहाँ पे अपने पूरी सिटी निकल आया है। नीचे बैठते हैं ये मैम, और यहाँ बैग रखते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं। ये है जी हमारी ट्रेन, उसमें हम बैठ चुके हैं फाइनली, तो ये निकलेगी। तो 3-4-5 मिनट लगे हम नेक्स्ट 2 स्टॉप के बाद हमारा स्टॉप है, तो वहाँ पे हम पहुँच जाएंगे, तो फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट। पहुँच गए हैं अपने स्टेशन पे, तो हम बाइक निकलते हैं, डोर खुलेगा। 1000 years later. तो चले जी, दोस्त की कॉल आई थी, तो कह रहा कि मेरा ट्रेन स्टेशन पर इंतज़ार करो, तो मैं आ रहा हूँ। तो देखते हैं फिर कुछ जगह जहाँ वेट करते हैं उसका। तो ये बेसिकली आउटसाइड एरिया है ट्रेन स्टेशन का जहाँ पे हम आए हैं, तो देख सकते हैं आप। चलें जी, फाइनली जिस बंदे से आपको मिलवाना था ना, वो बंदा आ चुका है, काफ़ी इंतज़ार करवाया है। और ऐसे यार ये देखो, ये हमारे हैं हमाद चौरी साहब, तो मिलवाते हैं। जी माँ साहब कैसे हैं आप? अस्सलाम ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, फिर भी मिल लो। ये देखें जी हमाद साहब, हमाद साहब क्या प्लान है आप? जलील होने का। चले जी, हमाद साहब भी आ चुके हैं और हम जा रहे हैं। आप कहाँ जाना है? आप बैंक स्टॉन सेंट्रल में चलते हैं, तो फिर आपको भी दिखाते हैं उधर की रौनक सब कुछ। तो ये है कि दिखाएंगे आपको भी, हमारा तो रोज़ा है वैसे यार, आप लोग इन्जॉय कीजिएगा। ओके तो ये हम पास पहुंच चुके हैं जी,
बैंकस्टाउन सेंट्रल के, और यहाँ पे जब भी ये पेडेस्ट्रियन का जो है ना सिस्टम वो तो सबसे हैवी है। अब ये हम जाएंगे और ये गाड़ी रुक जाएगी, देखना ये देखो गाड़ी रोक दी है भाई। वो देखें अंकल जाएगा पीछे वाली गाड़ी, आगे नहीं आ सकेगी, अंकल गुजरेंगे और हम भी गुजरेंगे इसके दरमियान में से, हम भी गुजरेंगे। तो ये सब टोरे और ये तो थले दे देना है उन्होंने। और ये देखें, और ये अंकल मस्त होके जा रहे हैं इधर से, चलो उधर से चलते हैं। ये चोरी साहब आज मैं लीड कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम आज कुछ नया दिखाएंगे, आज शॉपिंग करने जा रहे हैं। तो देखते बजट कितना है हमारा, $20 $35 चलो जी गाइस, हमने रखा है अपना बजट जो शॉपिंग करने है उसमें सिर्फ $35, और देखते हैं $35 में क्या क्या आता है, तो आपसे शेयर करेंगे इंशाल्लाह। चलो जी हम पहुंच चुके हैं बैंकस्टाउन सेंट्रल में, और ये देखें अच्छी अच्छी लाइटिंग आ रही है, वाइब्स आ रही हैं, एसी एसी कर रहे हैं, तो सुकून का दो घंटे सुकून से गुजारेंगे। तो ये देखें आप चोरी साहब भी जा रहे हैं हमारे साथ, चोरी साहब तो मस्त हो के टूरी जा रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि $35 में आएगा जाना, हमें देखने हैं क्योंकि यहाँ पर भी भाई शॉपिंग काफ़ी महंगी हो जाती है। पाकिस्तान में चलो थी ना, अब इधर भी है, ये भी पंगे हैं। चोरी साहब बताना चाहिए कुछ बस समझ नहीं, बस समझ जाओ, समझने वाले समझ जाएंगे। ये देखिए जी ये मॉल के एंट्रेंस हम जा रहे हैं मॉल में, और ये काफ़ी शॉप्स वगैरह हैं, ये सुशी है, देखा ना मैंने कहा था ना आपको चिंके नजर आएंगे, वहाँ पे भी सारे ये सारा फूड एरिया है, यहाँ पर सब कुछ मिलेगा आपको। और आगे चलते हैं, सारी चीज़ें आपको फ्रूट व्रूट हर चीज़ मिलेगी। तो हम जा रहे हैं बिग डब्ल्यू की तरफ, जहाँ से चोरी साहब करेंगे सिर्फ $35 की शॉपिंग, और मेरा तो कोई पता नहीं, मैं थोड़ा ज़्यादा भी लगा सकता हूँ, चलो 40 कर लो क्योंकि महंगी चीज़ें हैं, चलो $5 और लगा लेते हैं। तो देखते हैं फिर चलते हैं क्या सीन बनता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी काफ़ी महंगाई हो चुकी है, जैसे पाकिस्तान में कह रहे हैं ना कि भाई उसकी वजह से ये सारा काम खराब हुआ, इधर भी ऐसे ही है, इधर भी यही कहते हैं कि भाई जो पिछले दिन वो सारा कुछ खा पी गए हैं, इधर भी यही सीन है, कोई नहीं टेंशन ना लो, सेम अपना अपना पहले ही निकल गया थी वो चिट्टी वाली बोल रही है। हम जा रहे हैं हम लोग, ओ पाए ना खोलो खोलो, तो वो सामने रहा जी बिग डब्ल्यू। यहाँ पे 3 W का वैसे एतबार नहीं करना चाहिए, कौन कौन है, एक तो वेदर है, एक वर्क है, और तीसरा W कौन से, और एक वूलवर्थ है, वूलवर्थ है कभी, और ये एक W तो ये काफ़ी अच्छा। तो फाइनली हम उसके अंदर आ चुके हैं बिग W के, तो हम चीज़ें ढूंढ रहे हैं पर कुछ मिल नहीं रहा। तो चोरी साहब ये देख बैग वगैरह ढूंढ रहे हैं चोरी साहब, फाइनली हमने शूज़ ढूंढ लिए हैं, ये शूज़ मिले हैं हमारे। तो फाइनली जी हमने ले लिए हैं ये शूज़, तो एक लिया चोरी साहब के लिए और एक मेरा, ये बड़े वाला चोरी का ही है। फाइनली हम ढूंढने जा रहे हैं ट्रॉली क्योंकि सामान ज़्यादा हो गया, तो उधर छोड़ दिया चोरी को, मैं ढूंढने जा रहा हूँ ट्रॉली, तो देखते हैं ट्रॉली मिलती है कि नहीं, इजाज़त तो है ही। और ये पड़ी हुई है जो ट्रॉली, तो ये फाइनली हमें मिल गई ट्रॉली, तब इसको भगाएंगे, जैसे हम पाकिस्तान एयरपोर्ट पे भगा के ले गए हैं तो हम अच्छी तरह भगाएंगे। सो जी फाइनली हमने सारी चीज़ें खरीद ली क्योंकि सर्दियाँ आने वाली हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो हमने काफ़ी चीज़ें ले ली हैं। प्लान तो था कि $35 में सारी शॉपिंग करेंगे, और ये पैन सारा 45 का तो सिर्फ यही आया है, और आपको मैं दिखाता हूँ सारी चीज़ें जो जो हमने ली हैं। ये चोरी साहब का शू है जी, ये भी काफ़ी पड़ गया है $15-16 के, $25 का ये है। और ये शूज़ हैं जी, ये शूज़ हैं जी मेरे हैं, ये भी $25 के पड़ गए हमें। और ये वाले शूज़ हैं जी, ये चोरी साहब के हैं, और ये पड़े हैं जी ये भी 25 के। और ये मैंने एक शर्ट ली है, हमें पड़ गई है जी $14 में, मे बी 14 की है, देखते हैं 15 की पड़ी है। उसके बाद जी हमने ली है स्वेट शर्ट है, और ये शर्ट है जी ये चोरी साहब की है, ये भी तकरीबन 10-14 की है, एग्जैक्ट नहीं पता मे भी इतने की है, और ये मेरी है लार्ज, ये भी इतने की है।
और ये लिया जी ट्राउज़र मैंने अपना मीडियम, तो इसकी भी तकरीबन को $10 है। और ये वाला है जी फ़ोन जी, ये चोरी साहब ने लिया है अपना एक्सल लार्ज और अपनी पुती फरे को करते हुए, तो ये भी तकरीबन कोई $15-16 का। तो काफ़ी मतलब एक्सपेंसिव शॉपिंग होगी, मैं सोचा था $35 में सारा कुछ कंप्लीट कर लेंगे, पर 35 की बजाय ना ये मे बी 235 होंगे या 150 तो पक्के ही होंगे। तो चलो फिर काउंटर की तरफ चलते हैं, तो फाइनली अभी देख रहे हैं कुछ और भी मिल जाए तो फिर लेंगे। तो ज़्यादा मेरी कोशिश है कि ज़्यादा लंबा व्लॉग ना ही बने। तो फाइनली हम जा रहे हैं काउंटर की तरफ, पर चोरी साहब कह रहे हैं कि अभी मुझे कुछ और लेना है यार, ये मेरी पॉकेट आज खाली करवा के छोड़ेगा। फाइनली हम जा रहे थे वापस, फिर रुक गया यार, क्या चलो यार मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो पे करता हूँ, चोरी खुद अपने पे करेगा, ठीक है ना, देखते हैं क्या सीन होता है। अंकल ये देखा, मैंने कहा था ना आपको हर जगह आपको देखेंगे यही लोग मिलेंगे। तो फाइनली हमने इरादा कर लिया कि जाने का, क्योंकि हम अब फिर रुक गए थे, फिर हमने क्या किया, दो शर्टें और उठा ली हैं, तो ये है क्या रुकेंगे ना तो पैसों का खाना ख़राब कर देंगे, नुकसान होगा अपना ही। और चोरी साहब मुझे कह रहे हैं कि भाई और ले लो, पर सर्दियाँ बहुत ज़्यादा आनी है, क्योंकि 8-9 महीने इधर तकरीबन ऑलमोस्ट सर्दियाँ ही रहनी है और कुछ नहीं आना, जिसकी वजह से हमें कल पहले ही शॉपिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि बार बार नहीं आ जाता, क्योंकि बहुत बिजी बंदे हैं, बहुत बिजी लाइफ है हमारी। तो सो फाइनली हम आ गए हैं अपनी सेल पे, वहाँ पे हम लोग स्कैन करेंगे और पे कर देंगे और कुछ करेंगे। भाई साहब स्कैन कर रहे हैं, जल्दी करो यार, वारंटी हमें देख रही हैं और बहुत से। तो फाइनली हम लोगों ने सारी शॉपिंग अपनी कंप्लीट कर ली है, और पैसों का तो ना ही पूछे, $35 वाली लिमिट वो बहुत ज़्यादा, वो तो ट्रिपल से भी ज़्यादा पड़ गई है, 4 times ज़्यादा हमने पे कर लिया, ताकि शॉपिंग इतनी कर ली तो पे तो ऑब्वियसली करना पड़ना था, तकरीबन $200 की शॉपिंग कर ली हमने। तो अब जा रहे हैं, हमने सारा कुछ कर लिया, तो अब हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ वापस, तो उसके बाद जॉब पर भी आना है, तो फिर नेक्स्ट लोग वहाँ से स्टार्ट करें। ओके अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में।